नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। आजादी के अमृत महोत्सव पर शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान पर उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने प्राइम टीवी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, कितना है? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर यह बहुत एक अपने आप में स्वतंत्रता संग्राम के लिए बलिदान देने वाले संघर्ष करने वालों को स्मरण करने का भी है और माँ भारती की पूजा करने का भी है और जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया जिसके कारण स्वतंत्रता मिली है, वर्तमान पीढ़ी को उससे परिचय कराने का भी। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू है और इसी को देखते हुए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी आज से हो गई है। स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से और कितना महत्वपूर्ण है? देश के अंदर पहली बार पिछले 8 सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 की पहले क्या स्थिति थी, 2014 से अब देश के लिए पूरे विश्व में देश का एक सम्मान बढ़ा है। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आया है तो भोलेनाथ का अभिषेक किया है, गंगा आरती किया है, अक्षरधाम घूमा है और एक तरह की देश से परिचित लोगों को ठीक ढंग से करवाए करें कि देश पूरे दुनिया के अंदर योग स्वीकार किया है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के लिए बलिदान किया है, जिस प्रकार अपना जीवन देश के सम्मान के लिए जिया 15 अगस्त के दिन और 13, 14, 15 ऐसा आदरणीय मोदी जी का आह्वान है, निर्णय भी है कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा झंडा, इसमें सरकार भी, पार्टी भी, समाज के सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए, जो देश के लिए अपना जीवन दिया उनके सम्मान के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए अपने छत के ऊपर, अपने मकान के ऊपर तिरंगा झंडा फहराना है और शहीदों को नमन करना है। ये अभियान चल रहा है और पूरी इस आंदोलन में जनता जनार्दन स्वयं आगे है और जनता जनार्दन ने स्वीकार किया है और एक तरह का ये झंडा जो घर पर होगा, झंडा लेकर लोग जाएंगे, तिरंगा झंडा एक उत्साह के साथ जनता जनार्दन स्वयं आगे। जनता का साथ तो है लेकिन क्या विपक्षों से भी कोई अपील करेंगे कि वो भी मनाए इसे? वो भी उसी में आते हैं, सभी प्रदेशवासी। देखिए, पार्टी दल राजनीति पद से ऊपर है, यह राजनीतिक विचारधारा ऊपर है, ये राष्ट्रवाद का मुद्दा। जब राष्ट्रवाद का विषय आता है तो पूरे देश को, पूरा समाज को, सभी प्रदेशवासियों को खड़ा होना था, उसमें दल नहीं देखा जाता है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य प्रताप शाही जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई, जनता से क्या अपील करेंगे और कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और किसी देश के इतिहास के लिए 75 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील किया है कि सब अपने घरों पर स्वतंत्रता की इस आज़ादी के अवसर को धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाएं और साथ साथ में इस बात का संकल्प लें कि अगले 25 साल के लिए जो हमारे आज़ादी का अमृत काल होगा उसके लिए एक सामने लक्ष्य निर्धारित करके उसमें आगे की ओर बढ़ें। तो इस दृष्टि से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा भी लगाएंगे, साथ में जितने भी हमारे विभाग हैं उन विभागों के माध्यम से जहां जिनका रिच है उन स्थानों पर, बेसिक शिक्षा के विद्यालय जो है अपने विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों के साथ बातचीत करके उनके घरों पर, तो एक पूरा देश जो है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव का जश्न मनाए और उत्साह के साथ मनाए जिससे कि देश के भीतर एक सामर्थ्य और क्षमता उजागर हो सके। इस दृष्टि से जो है यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है और पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है। सबसे बेहतर हमारे खेल कूद के नौजवानों ने कॉमनवेल्थ गेम के भीतर प्रदर्शन करके जो स्वर्ण पदक और रजत पदक लाए हैं वो पूरे दुनिया में जो है हमारा तिरंगा लहरा गया है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ।
देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी कड़ी में आज से ये हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी देश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसे एक अभियान के तहत लिया हुआ है और घरों पर तिरंगा कैसे फहराया जाएगा, क्या तैयारियां हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और कितना अहम है, कितना अहम योगदान जनता को देना पड़ेगा इस अमृत महोत्सव में? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा बर्बाद जर्मनी हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना के कारण जर्मनी ने इतने जल्दी प्रोग्रेस की कि वो पूरी दुनिया में जितने हमारे उच्च विकास वाले देश थे उनमें आ गया। वहाँ के बारे में ये कहावत है कि यदि कोई भी व्यक्ति हल चला रहा हो खेत में और हेलीकॉप्टर में राष्ट्रगान बज रहा हो और उसे सुनाई दे जाए तो हल छोड़ के खड़ा हो जाता है। राष्ट्र भावना ऐसी चीज है। आदरणीय मोदी जी ने जब से इस देश की ही कमान संभाली है तब से एक राष्ट्रवाद का नया युग प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से ये राष्ट्रध्वज, इस राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए प्रत्येक हमारा जवान जो शहादत देता है अपने आप को धन्य समझता है। राष्ट्रध्वज का प्रत्येक व्यक्ति इस भारत भूमि में पैदा होने वाला सम्मान करता है। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान पूरे देश से अपील की थी झालर घंटी बजाने की, थाली बजाने की, पूरा देश खड़ा हो गया था। आज पूरे देश में आह्वान जो किया है आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र की भावना, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत हो गया है। और निश्चित रूप से मैं भी प्रार्थना करता हूँ अपनी ओर से कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। यही हमारी भारत की शान है, यही इसी से हमारा सम्मान है। सर, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कोविड के दौरान भी देखा गया था, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, लेकिन उस दौरान भी विपक्ष ने कहीं ना कहीं इसमें कन्नी काटी थी। इस बार भी जो तिरंगा अभियान आप लोग चला रहे हैं, विपक्ष ने कोई भी सहभागिता नहीं दिखाई, जबकि उत्तर प्रदेश या देश की जनता साथ में है, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, तो क्या विपक्ष के नेताओं को भी कुछ संदेश देना चाहिए? पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जिस व्यक्ति में राष्ट्र की राष्ट्र के प्रति भावना होगी वो निश्चित रूप से अपने घर पे तिरंगा झंडा जरूर अमृत महोत्सव के अवसर पर लगाएगा। ठीक सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिसके मन में भी देश को लेकर के प्रेम होगा वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। खबर प्रयागराज से है, जहां भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की 140वीं जयंती के मौके पर शहर के लाला लाजपत राय भवन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और खत्री समाज की तरफ से इस अवसर पर 3 दिनों से चल रहे विभिन्न योजनाओं का समापन भी किया गया। बता दें, योजनाओं में छात्रों और छात्राओं के लिए भारत की आजादी पर केंद्रित एक ड्रॉइंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग, सभी स्कूलों से एकत्रित यहाँ पे टीचर्स और संस्थापक लोग यहाँ पे एकत्रित हुए राजश्री टंडन जी के, उनके जन्मोत्सव के अवसर पे, जो हमारे भारत के रत्न हैं, हाँ, भारत के हिंदी के रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं। और उनके आज यहाँ पे हमारे निबंध प्रतियोगिता और आर्ट कम्पटिशन और विभिन्न विद्यालयों से आज जो 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। अखिल भारतीय युवा खत्री समाज और लोक सेवक मंडल लाजपत शिशु विहार के संयुक्त तत्वाधान में आज भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती, 140वीं जयंती, बच्चों को बुला करके जिला स्तरीय निबंध और आर्ट की प्रतियोगिता करा करके संपन्न कराई जा रही है, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न इंटर कॉलेजों के, यहाँ तक कि इंग्लिश माध्यम के स्कूल जो हैं वो भी बच्चे हम लोगों के यहाँ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
खबर गाजीपुर से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में आधार एकत्रीकरण की शुरुआत पीजी कॉलेज गाजीपुर हॉल से की गई। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी के साथ कॉलेज के छात्र और शिक्षक भी मौजूद रहे। वहीं डीएम एमपी सिंह ने बताया कि 1 अगस्त से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आधार एकत्रीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में जितने मतदाता हैं, उन सभी मतदाताओं से उनके आधार नंबर उनकी इच्छा अनुसार एकत्रीकरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हमारे जो बूथ लेवल अधिकारी हैं, सभी मतदाताओं के घरों पर जाकर, घर घर जाकर उनसे उनका आधार नंबर लेंगे और ऑफलाइन प्रारूप 6B फॉर्म 6B एकत्र करेंगे और उसे उनके द्वारा गरुड़ ऐप पर या संबंधित निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी द्वारा यारो नेट पर अपलोड किया जाएगा और इस प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि जो निर्वाचक हमारी नामावली है वो शुद्ध हो रह सके और पूरी तरह त्रुटि रहित बनाई जा सके। खबर बिजनौर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद भी किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। किसानों की बहुत सारी समस्याएं, एक तो बिजनौर जनपद में जो शुगर मिल लगने जा रही, तो जनपद की शुगर मिले नहीं चाहती कि कोई जनपद के अंदर नई शुगर मिल लगे और जिले का प्रशासन मौन बैठा हुआ तमाशा देख रहा। दूसरी समस्या हमारी है कि बिजनौर में अगर कोई भी कार्यक्रम वोट लेने का होता तो वो बिजनौर से शुरू होता गंगा के नाम पर, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से बनाने का काम ये कर रहे हैं। बिजली के मीटर नलकूपों पर लगा दिए, शासनादेश ये है कि मीटर से बिल नहीं लिया जाने का और डकैती घेरने का काम कर रहे हैं, मीटर से बिल लिया जाएगा। खबर कानपुर से है, जहां नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर ने देर रात पुलिस आयुक्त का पद संभालने के बाद सुबह पुलिस लाइन में मीडिया कर्मियों से बात की और पद ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 3 जून को कानपुर में जो हिंसा हुई थी, ऐसी हिंसा अब कानपुर में दोबारा ना हो उसके लिए खास तौर पर नजर रखी जाएगी। कानपुर में मेरी ये दूसरी नियुक्ति है, इसके पहले भी आप लोगों ने हमारे कार्यकाल को देखा है, कार्यप्रणाली को समझा है। वर्तमान समय में शासन की जो वरीयताएँ हैं, प्राथमिकताएँ हैं, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के संबंध में, उन सभी वरीयताओं को अक्षरशः निष्पक्षता से और सख्ती से लागू किया जाएगा। यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएँ हैं कानपुर की, उसके संबंध में मैंने अपने साथी अधिकारियों से वार्ता की है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर समस्याएँ हो, उनको वरीयता पे लेके SOPs बना के उनका एक चिरकालीन समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। खबर देवरिया से है, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। अगर ऐसी ही बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया तो आसपास के गांवों में भी पानी भर जाएगा। जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अधिकारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। इस समय हम देवरिया जनपद के गोरा नदी, जो रुद्रपुर तहसील अंतर्गत पड़ता है, वहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस समय नदी का उफान काफ़ी बढ़ चुका है, जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है नदी का, और जिससे कई गांव अभी प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। नकैल, शीतल माझा, पांडे माझा इत्यादि ऐसे गांव हैं जो इस नदी के उफान पानी से, काफ़ी जल स्तर बढ़ने से काफ़ी किसानों और ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये नदी है जो गोरा नदी कहते हैं और इसके बगल में ही राप्ती नदी है, जहाँ नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी, ये आप नदी का उफान देख सकते हैं कि जल स्तर काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रामीणों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैं प्राइम टीवी के साथ रवि रावत, देवरिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत तहसील कोह में अधिवक्ताओं ने हंगामा काटा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तहसील अधिकारी दलालों के काम कर देते हैं और अधिवक्ताओं को चक्कर लगवाते हैं। इसी बात से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आज तहसील अधिकारियों के दफ्तरों में ताले डाल दिए और तहसील का गेट बंद कर धरने पर बैठ गए।
मैं यहाँ का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और अधिकारी सारे अधिकारी गेट बंद कर करके बैठे रहते हैं और अधिवक्ता जाए उसका काम कोई होता नहीं है और वहाँ दलाल टाइप के लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं इनके पास और कर्मचारी कई कई साल से जमे हुए हैं यहाँ पर उनके माध्यम से इनकी तलाशी चली है बहुत और अधिवक्ता पीड़ित है। अधिवक्ता के द्वारा जो भी काम होता है कोई पब्लिक का काम आ जाए वो नहीं होगा और दलालों के माध्यम से काम हो जाता है। हमें विवश होकर ये कदम उठाना पड़ा है। हमारी मांगें ये हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो गेट बंद करके बैठे रहते हैं, कोई अधिवक्ता आए तो उससे मिलते नहीं हैं, कोई बाधकारी का भी काम नहीं करते। जो छुटभैया नेता और जो दलाल हैं वो अंदर बैठे रहते हैं और बड़ी बड़ी रकम ले के जो गलत काम होते हैं उनको करते हैं, सही काम को भी नहीं करते। और कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ ऐसे हैं जो कई कई साल से जमे हुए हैं। बिजनौर मुख्यालय पर आज भाकियू राजनैतिक संगठन का किसानों की समस्याओं सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर सुबह से ही पुलिस ने बैरिगेटिंग लगाकर किसानों को रोकने के लिए पीएसी बल लगाया, जिसके बाद भी कलेक्ट्रेट में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और हजारों की तादाद में किसान अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर घर के अंदर सो रहे दंपत्ति पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सुराम क्षेत्र में जुड़ापुर डांडो गाँव, जो की हाईवे से मुझे लगता है 20 किलोमीटर है, इस गाँव में आउटस्कर्ट्स में एक मकान बना हुआ है जो श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा जी का है, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। मॉर्निंग में सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई है और एक महिला है जो घायल अवस्था में। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, घायल को अस्पताल पहुँचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। घटना पे हम लोग आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बात की है, अभी तक इनका किसी पे शंका या किसी से विवाद नहीं है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे टप्पेबाज गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी टप्पेबाजी कर लाखों का माल चोरी करता था। बता दें, पुलिस ने चोरों के पास से 8000 नशीले पदार्थ और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जो पेट्रोल पंप के पास से जो सुनार के साथ टप्पेबाजी हुई थी, जिसका मुकदमा साहिबाबाद थाना क्षेत्र में लिखा गया था, वो भी वर्कआउट हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में इन लोगों ने घटनाएं कर रखी थी, मेरठ में कर रखी थी, नोएडा में और हरियाणा में, ये सारी घटनाएं इनसे वर्कआउट हुई हैं और अभी दो अपराधी फरार हैं, उनको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी जो चार हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है इनको जेल भेज रहे हैं। जनपद रामपुर की तहसील मिलक जालिफ अगला गांव में युवक ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी और युवती की हत्या कर हत्यारोपी मौके से फरार हो गया। बता दें, हत्या की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी की तलाश में जुट गई। वहीं युवती की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है। नन्हे खान जो जालिफ नगला थाना मिलक के रहने वाले हैं, उन्होंने आज रात्रि 9 बजे आकर थाने पर सूचना दी कि उसकी पुत्री कुमारी फाइजा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, हुसैन नाम के लड़के ने घर में आकर हत्या कर दी है। इस संबंध में थाना मिलक पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। ये हुसैन सितारगंज उत्तराखंड का रहने वाला है और फाइजा और हुसैन के बीच आपस में मित्रता थी। हुसैन इनके घर आता जाता था, आज किसी कारण से हुसैन ने फाइजा की हत्या कर दी है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गोरखपुर से है, जहां मोतीराम अड्डा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 52 साल के अधेड़ को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबर मथुरा से है, जहां यमुना में नहाने गए एक किशोर वासुदेव घाट पर डूब गया, जिसकी अब तक कोई अतापता नहीं लगा है। वहीं किशोर के दोस्तों ने उसके डूबने की खबर परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश में जुटे। पांच बच्चे आए थे नहाने के लिए, उन पांचों में से एक से झगड़ा हुआ था, चारों ने मारा उसको पीट के, फिर वहाँ पे उसको यहीं पे डुबा के छोड़ गए और घर पे जाके रात को 11 बजे हमने जब पूछा कि कौन कौन था साथ में, तो सब ने मना कर दिया। जब हमने सीसीटीवी कैमरा मकान वाले का दिखवाया तो उसमें साथ थे, तो बोले हाँ हम साथ थे, और वो मतलब तो उसी के फ्रेंड थे वो। हाँ, उसी के साथ वाले थे। हमको रात को 11 बजे मालूम पड़ा था, पुलिस के डर से वो बता नहीं रहे थे। फिर हमने प्यार से पूछा उनको, तो जब वो बताए कि हमारा झगड़ा भी हुआ था और हम बोले कि वो डूब गया है, तो बोले हाँ डूब गया है वो। खबर गाजियाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में खोड़ा नगर पालिका में पॉलिथीन अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 15 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त की गई और साथ ही 7,900 रुपए का जुर्माना नगद लगाया गया। साथ ही छोटे दुकानदार जो कि रेहड़ी पटरी वालों को सख्त आदेश के साथ चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर दोबारा प्लास्टिक की थैलियां पाई गई तो बड़े चालान की कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।